गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला जीएम सौम्या माथुर ने आज सुबह गोरखपुर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। जीएम के साथ रेलवे के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। सौम्या माथुर ने यात्रियों के ठहरने, खाने के स्थान व रेलवे स्टेशन के ऑफिस का गहनता के साथ बारीकी से निरीक्षण किया गया। यात्रियों की सुरक्षा, विश्वास संरक्षण का भी ध्यान दिया जा रहा। छठ पर्व की दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो रही, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा व विषय का ध्यान रखा जा रहा है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया, सब ठीक ठाक पाया गया। त्यौहार के दृष्टिगत रखते हुए आरपीएफ जवानों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कल कटरा और रामघाट का निरीक्षण किया गया, वहां पर अभी कार्य चल रहा है। वहां देखा गया कि वहां और किसी तरह की कोई ज़रूरत है, जो भी श्रद्धालु या यात्री आएंगे उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने कहा, गोरखपुर स्टेशन का आज जो निरीक्षण किया गया, ये खासतौर से इसलिए किया गया कि अभी आपको जैसे पता है त्योहार का समय है, भीड़ चल रही है, तो जितनी व्यवस्थाएं होनी थी वो सुचारू रूप से चल रही है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, टिकटिंग की हो, हमारे सीसीटीवी कैमरे जो चल रहे हैं, खान पान की जो व्यवस्था है, सब तो जो आज मैंने पाया है सब सुचारू रूप से चल रहा है। चाहे आप यात्रियों की एमिनिटीज को देखें, चाहे सिक्योरिटी देखें, मुझे आज सब सुरक्षा के लिए इंतजाम पूरे हमारा एक प्लान है। हम स्टाफ डिप्लॉय करते हैं गाड़ियों में चढ़ने के लिए, आपने देखा होगा क्यूइंग कराई जाती है ताकि भीड़ एक साथ नहीं चढ़े। बाकी जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट आरपीएफ का होता है उनका ये इस सीजन के लिए, फेस्टिवल सीजन के लिए वो प्लान रहता है।